गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, जो आपका रेलवे जेई एसएससी जेई से जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हम अपने कंटिन्यू वीडियो अपलोड करेंगे। तो ये जो टॉपिक आज का है वो है थर्मोडाइनमिक्स में, जो न्यूमेरिकल है बाय वेट बाय वॉल्यूम, जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के परसेंटेज से सॉल्व होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। और कैलोरीफिक वैल्यू कभी कभी पूछ लिया जाता है, उसकी डेफिनेशन, और बोलते हैं कि क्या डेफिनेशन है इसकी, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। या फिर आपका कोई टॉपिक आपको लगता है कि वो आपको कम आता है या आपको पढ़ना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू, देखिए, द नंबर ऑफ हीट यूनिट्स इवॉल्व इन किलो कैलोरी बाय द कंप्लीट कम्बशन ऑफ द फ्यूल 1 kg ब्रैकेट में है, इट्स कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, ठीक है। तो यानी 1 kg फ्यूल को जलाने से आपको जितनी हीट जनरेट होती है वही वैल्यू आपकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है, ठीक है। उसके बाद अब इसकी यूनिट, मेन इसकी यूनिट ही इम्पॉर्टेंट है कि कैलोरीफिक वैल्यू की क्या यूनिट होती है। तो देखिए, आपकी हीट डेवलप होगी और आपने फ्यूल दे रखा हुआ है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलो जूल पर केजी या फिर किलो जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये जो किलो जूल पर मीटर क्यूब जो यूनिट है ये आपकी कैलोरीफिक वैल्यू तब होगी जब आपका फ्यूल क्या हो, गैसियस फॉर्म में हो, जैसे कि कोई गैस हो, आप किसी गैस को जलाते हो, तब आपकी वहाँ पे जो हीट जनरेट होगी तो वहाँ पे आपकी कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगी किलो जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड बाय बॉम कैलोरीमीटर और बॉयज गैस कैलोरीमीटर। तो देखिए, जो बॉम कैलोरीमीटर होता है उससे हम सॉलिड और लिक्विड फ्यूल की मोस्टली कैलोरीफिक वैल्यू मीजर करते हैं, जबकि जो बॉयज गैस कैलोरीमीटर है, बॉयज गैस कैलोरीमीटर को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं जंकर्स गैस कैलोरीमीटर, ठीक है। तो उससे हम लोग गैसियस वे में जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है उससे हम लोग मीजर करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम न्यूमेरिकल्स इसके कैसे पूछे जाते हैं और आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखिए, सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एयर में अगर बाय वेट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज होना चाहिए और बाय वॉल्यूम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है। तो अगर बाय वेट की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का परसेंटेज 77% और ऑक्सीजन आपकी 23% होती है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अगर बाय वॉल्यूम की बात करते हैं तो नाइट्रोजन आपका 79% एंड ऑक्सीजन आपका 21% होना चाहिए। बाय वेट का मतलब है कि अगर आपका यहाँ पे केजी वगैरह हो तो आप बाय वेट आप इससे समझ जाओगे, अगर वॉल्यूम होगा तो मीटर क्यूब में आपकी यूनिट होगी, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, ये तो आपको एकदम अपने माइंड में होना चाहिए कि अगर बाय वेट है तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है और अगर बाय वॉल्यूम है तो आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं, देखिए, अगर यहाँ पे 1 kg एयर, तो इसका मतलब केजी है तो ये बाय वेट से है। तो कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि 1 kg एयर में कितना ऑक्सीजन होता है, तो आप याद रखेंगे कि 1 kg एयर में देखिए ऑक्सीजन 23% था तो 23/100 kg ऑक्सीजन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन का पूछ लेते हैं कि 1 kg ऑक्सीजन में कितनी एयर होती है तो आप इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी 100 ऊपर आ जाएगा और 23 नीचे, यानी 100/23, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे तभी आप इसका कुछ कन्वर्जन कर पाएंगे। अगर यहाँ पे केजी की जगह मीटर क्यूब आ जाता है यानी वॉल्यूम, तो आपको पता है कि देखिए वॉल्यूम में ऑक्सीजन कितना है, 21% है। तो अगर पूछते आपसे कि 1 m³ एयर में कितना मीटर क्यूब ऑक्सीजन, तो आप क्या बोलते हैं, 23 की जगह बस आपको यहाँ पे 21 करना है, 21/100 मीटर क्यूब ऑक्सीजन। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम से आएगा तो आपकी यूनिट हो जाएगी 1 m³ ऑक्सीजन इक्वल, तो यहाँ पे हो जाएगा 100/21 मीटर क्यूब एयर, ठीक है। तो आपको ये माइंड में मतलब कि याद रखना है कि आपको केजी में दे रखा है या फिर मीटर क्यूब में, ठीक है। अब आप इसका थोड़ा सा एग्जांपल मैं देती हूँ तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आपसे पूछ लेता है कि 10 kg ऑक्सीजन में कितने केजी एयर होगी, तो देखिए केजी है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि केजी है तो केजी में ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज था, तो केजी में ऑक्सीजन का परसेंटेज था 23%, ठीक है। और ऑक्सीजन से एयर में पूछवाए ना, तो इसका मतलब है 100 ऊपर होगा और 23 नीचे, तो हमें पता है
कि 1 kg ऑक्सीजन में 100/23 kg एयर है, तो 10 kg में तो 10/100/23 kg एयर। तो इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि अब हम इसको देख लेते हैं, सेकंड 50 kg एयर में कितना परसेंट और कितना ऑक्सीजन रहेगा। तो देखिए, आपको पता है कि 1 kg एयर में 23/100 kg ऑक्सीजन होता है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि केजी में है या मीटर क्यूब में। अगर यहाँ पे मीटर क्यूब होगा तो 21 हो जाएगा, अगर केजी है तो ऑक्सीजन का परसेंटेज 23 है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि एयर टू ऑक्सीजन पूछ रहा है, तो 23 न्यूमरेटर होगा और 100 डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एयर से ऑक्सीजन में पूछ रहा है, इसका मतलब 23 ऊपर होगा। तो 1 kg एयर में 23/100 kg ऑक्सीजन होता है, इसका मतलब 50 kg में तो 50 × 23/100 kg ऑक्सीजन। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका निकल आएगा, ठीक है। अब हम वॉल्यूम से रिलेटेड देख लेते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछता है कि 100 मीटर क्यूब एयर में, तो आप देखिए यहाँ पे मीटर क्यूब में, इसका मतलब ये बाय वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है। तो बाय वॉल्यूम में आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना रहता है, 21%, ठीक है। अब आप देखिए, एयर टू ऑक्सीजन पूछ रहा है ना, अगर एयर टू ऑक्सीजन है तो इसका मतलब 21 ऊपर रहेगा, 100 नीचे, तो यानी 21/100 का मल्टीप्लाई होगा। तो 1 मीटर क्यूब, देखिए यहाँ पे 1 मीटर क्यूब में कितना, 21/100 मीटर क्यूब ऑक्सीजन था ना एयर में, तो यहाँ पे 100/21/100 मीटर क्यूब ऑक्सीजन आपका आंसर। देखिए, 100 से 100 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, आपका 21 मीटर क्यूब ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर ऑक्सीजन 120 मीटर क्यूब ऑक्सीजन है, अब देखिए आपका पहली बात तो बाय वॉल्यूम पूछ रहा है, इसका मतलब 21 आएगा। अब वो ऊपर आएगा या नीचे आपको माइंड करना है। ऑक्सीजन टू एयर पूछ रहा है ना, इसका मतलब 21 डिनोमिनेटर होगा, 100 न्यूमरेटर, यानी 100/21 का मल्टीप्लाई होगा। तो 120 × 100/21 आपका आंसर। इसको सॉल्व करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कितने मीटर क्यूब एयर आपके पास होगी, ठीक है। अब इससे दूसरे टाइप के क्वेश्चन अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 1 kg कार्बन की कंप्लीट कम्बशन करवाने के लिए कितने kg ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो देखिए, यहाँ पे भी आपसे बाय वेट अगर पूछा जाए तो उसका तरीका अलग है सॉल्व करने का, अगर बाय वॉल्यूम आता है तो उसका तरीका अलग है। तो पहले हम बाय वेट से देखते हैं। तो यहाँ पे केजी है तो इसका मतलब बाय वेट से ही है। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो देखिए कार्बन का कंप्लीट कम्बशन बोल रहा है ना, और कम्बशन किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के। तो हम लोग इसकी इक्वेशन बनाएंगे, तो कार्बन सी प्लस कम्बशन करवाने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो सी प्लस ओ टू हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, सी ओ टू, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको नॉर्मल कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इनके एटॉमिक मास आपको आने चाहिए। तो देखिए, कार्बन का एटॉमिक मास जैसे होता है 12, ठीक है, ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का 7 होता है। तो नॉर्मली आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ही मेनली पूछा जाएगा, तो आपको ये 3 के एटॉमिक मास आने चाहिए। हम लोगों ने अपनी इक्वेशन बना ली, ठीक है। उसके बाद कार्बन का एटॉमिक मास यहाँ पे उसके नीचे लिखिए 12। देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, लेकिन यहाँ पे 2 पार्टिकल हैं, तो 16 × 2 यानी 32। उसके बाद CO2, तो देखिए इसका C का कितना होता है 12, ऑक्सीजन O2 का कितना हो जाएगा 32, तो 12 + 32 = 44, यानी इसका टोटल एटॉमिक मास हमने निकाल लिया 44। अब देखिए क्या पूछ रहा है, 1 kg कार्बन, यानी कार्बन की वैल्यू 1 kg करनी है, इसका मतलब यहाँ पे 1 लाना है। तो 1 कैसे आएगा, 12 का डिवाइड आप कर दीजिए, तो 12 का डिवाइड यहाँ किया तो आया 1, 32 का में 12 का डिवाइड किया और यहाँ 44 में इसको मैंने काटा, तो यहाँ पे 4 से आप यदि कट करोगे तो 4 × 4 = 4 / 4 / 12। अब वो क्या पूछ रहा है कि 1 kg कार्बन में आपको कितने kg O2 की आवश्यकता होगी। तो देखिए, आपका निकल आया है कि 1 kg कार्बन में आपको O2 की आवश्यकता कितनी है, 32/12 है, अगर आप इसे कट करोगे तो 4 × 32 = 4 / 12। तो आपका आंसर देखिए आ गया, 1 kg इक्वल 8/3 kg ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपसे एयर पूछ लेता, तो अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया है कि आप ऑक्सीजन से एयर में कैसे चेंज करोगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि केजी है, तो यानी बाय वेट, बाय वेट ऑक्सीजन का प्रेजेंट कितना होता है, 23, ओके।
अब ऑक्सीजन टू एयर में, ऑक्सीजन से एयर में चेंज करना है तो आपको 100/23 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8/3 × 100/23 ये आपका क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता कि ऑक्सीजन की बजाय एयर में, तो पहले आप ऑक्सीजन निकालेंगे उसके बाद आप इसे एयर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब हम एक वॉल्यूम वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 m³ एसिटिलीन के कंप्लीट कम्बशन करवाने के लिए कितने मीटर क्यूब ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो देखिए ये मीटर क्यूब है यानी बाय वॉल्यूम, आपको तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि मीटर क्यूब है तो इसका मतलब बाय वॉल्यूम वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ही आसान रहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये इक्वेशन दे रखी होगी। जैसे कि जैसे मान लीजिए आपको ये इक्वेशन दे रखी है, C2H2 एसिटिलीन का कंप्लीट कम्बशन करवाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, कोई भी एटॉमिक मास नहीं लर्न करना है, सिर्फ आपका ये जो C2H2 है इसके कोफिशियंट में क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1। ऑक्सीजन के कोफिशियंट में क्या लिखा हुआ है, 2.5। कार्बन डाइऑक्साइड के कोफिशियंट में क्या लिखा है, 2। और वाटर के कितना क्या कोफिशियंट है, 1। तो अब क्या पूछा है कि 1 m³ एसिटिलीन में, तो ये तो ऑलरेडी 1 है, अगर नहीं होता तो आप उतने ही नंबर का आप सब में डिवाइड कर देते। कितने करवाने के लिए कितना मीटर क्यूब ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो 1 के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, 2.5। तो आपका आंसर हो जाएगा कि 1 m³ एसिटिलीन के कंप्लीट कंबशन करवाने के लिए हमें 2.5 m³ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपसे ऑक्सीजन ना पूछ के एयर का पूछता तो आपको पता है कि ऑक्सीजन से एयर में कैसे चेंज करना है। देखिए मीटर क्यूब है, इसका मतलब वॉल्यूम में ऑक्सीजन की कितना प्रेजेंट रहता है, 21%, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन से एयर में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब 100 ऊपर होगा और 21 नीचे, ठीक है। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 100/21 का आप मल्टीप्लाई करवा दोगे, देन आप एयर में भी आंसर निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अगर आप मैंने ये जो टॉपिक आपको पढ़ाया है, अगर आपकी आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो जो अगर आपके पास आवेश खुर्मी है तो 258-59 पेज नंबर पे आपको इसी तरीके से क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप उन्हें सॉल्व करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करिए। थैंक यू।